तीन दिन के गुजरात दौरे के दूसरे दिन वडोदरा में छात्रों के बीच राहुल ने पीएम मोदी के मेड इन इंडिया पर उठाए सवाल। बोले, सेल्फी वाला मोबाइल भी चाइना का, मैं चाहता हूं चीन में भी लोग मेड इन इंडिया मोबाइल से लें सेल्फी। आपको सेल्फी लेने में बड़े मजे आ रहे हैं, मगर उस फोन ने चाइनीज युवा को जॉब दिया है, हिंदुस्तानी युवा को जॉब नहीं दिया है। छात्रों के बीच पूछे राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को बताया विफल। बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो शिक्षा और रोजगार होगा मुख्य एजेंडा। जय शाह को स्टार्टअप इंडिया का आइकन बताते हुए किया कटाक्ष। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ संघ पर साधा निशाना, बताया महिला विरोधी। कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी को मिली संजीवनी, निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस की सीटें हुई आधी। बीजेपी ने उपचुनाव में नगर निगम की 7 में से 5 सीटें जीती, एक तालुका पंचायत सीट पर भी बीजेपी का हुआ कब्जा। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा पार्टी मेरी जगह किसी युवा कार्यकर्ता को दे टिकट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह ने न्यूज वेबसाइट के खिलाफ दायर कराया आपराधिक मानहानि का मामला, कल होगी सुनवाई। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मांगा इस्तीफा, आज दिल्ली में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा अमित शाह और उनके परिवार पर आरोप लगाना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं, राहुल गांधी पर किया पलटवार, अमेठी में सम्राट साइकिल की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। अगर न्याय ही करना है पहले अमेठी में न्याय करें और सम्राट साइकिल की जो जमीन है जिसके ऊपर ऑर्डर आया है वो वापस करें किसानों को। आज राहुल के गढ़ में गरजेंगे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जनसभा में स्मृति ईरानी भी होंगी साथ। अमेठी में सरकार की तरफ से कई योजनाओं का हो सकता है ऐलान, स्मृति ने राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में विकास नहीं होने का लगाया आरोप। जो व्यक्ति राष्ट्र भर में विकास के सपने दिखा रहा है वो अपने ही क्षेत्र में विकास करने में इतने विफल हुए हैं, असफल हुए हैं। राहुल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विवादित बयान, भूले भाषा की मर्यादा, राहुल को बच्चा बताते हुए कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया। कांग्रेस का कि ये पालक पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो अपने नैपकिन जिसको हम अंग्रेजी में डायपर कहते हैं उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। राम मंदिर का वादा करने वाली योगी सरकार अयोध्या में सरयू तट पर स्थापित करेगी राम की विशाल प्रतिमा, पर्यटन को बढ़ावा देने का हवाला। हैदराबाद में टीआरएस के विधायक फारूक हुसैन पर मकान कब्जा करने का आरोप, मगर मालिक से की बदसलूकी, गालियां दी। मकान मालकिन को चप्पल मारने की कोशिश करते नजर आए विधायक फारूक हुसैन। પ્રજાને આપી અને કેન્દ્ર સરકારે અપીલ કરી હતી કે રાજ્ય ગુજરાત વિધાનસભા ચુનાવ સે પહેલે ગુજરાત કી જનતા કો તેલ કે દામો પર મિલી બડી રાહત, સરકાર ને પેટ્રોલ ડીઝલ પર 4% ઘટાયા વેટ। વેટ ઘટને સે ગુજરાત મે પેટ્રોલ 2.93 રૂપિયા પ્રતિ લિટર સસ્તા, ગુજરાત મે અબ 67.03 રૂપિયા પ્રતિ લિટર મિલેગા પેટ્રોલ। वैट घटने से गुजरात में डीजल 2.72 रुपये सस्ता हुआ, अब 60.77 रुपये प्रति लीटर मिलेगा डीजल। बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बेस प्राइस घटाने की मांग की, कहा इससे जनता को मिलेगी राहत। नीतीश ने पेट्रोल डीजल पर बिहार में झारखंड से ज्यादा बेस प्राइस का दिया हवाला, झारखंड 51 रुपये, बिहार में 55 रुपये है बेस प्राइस। दिवाली से पहले दिल्ली के लोगों को झटका, दिल्ली मेट्रो का सफर करना हुआ महंगा। अब 2 से 5 किलोमीटर का किराया 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर का किराया 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हुआ। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए 30 की जगह अब आपको देंगे 40 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, 32 किलोमीटर से आगे का किराया 50 की जगह 60 रुपए, स्मार्ट कार्ड पर पहले की तरह 10% छूट जारी। स्मार्ट कार्ड से पीक आवर में यात्रा करने पर 20% की छूट, 5 महीने में दूसरी बार बढ़ा है किराया।
भारत पाकिस्तान सीमा पर उजागर हुई बड़ी खामी, बीएसएफ की नजरों से बचकर पाकिस्तान की ओर सीमा पार कर भारत आ गया हसन खान नाम का शख्स। हसन खान पिछले 6 महीने से भारत में घूम रहा था, पकड़े जाने पर किया खुलासा, भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक पाकिस्तानी एजेंसी के लोग उसे छोड़कर गए। हसन खान खुद को जैसलमेर के गांव का रहने वाला बता रहा है। 1977 में पाकिस्तान के उमरकोट में अपनी बहन से मिलने गया था, तब से पाकिस्तान में रह रहा था। अप्रैल 2017 में छिपकर भारत आया। मुंबई में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, मौसम सुहाना। मेरठ के ऑल इज वेल होटल में युवती से गैंग रेप, लड़की ने एक परिचित पर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप लगाया। हनीप्रीत की आज खत्म हो रही रिमांड, पंचकुला अदालत में होगी पेशी, पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। डेरा हिंसा मामले में मोहाली से अकबर नाम का एक शख्स गिरफ्तार, फरारी के दौरान हनीप्रीत मदद का आरोप। सिरसा में डेरा के 4 और समर्थकों की गिरफ्तारी, राम रहीम की सजा के बाद हिंसा फैलाने का है इन पर आरोप। महाराष्ट्र के यवतमाल में खेल में कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे 20 किसानों की दर्दनाक मौत, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी और 8 डीलर्स पर केस। मध्य प्रदेश के आगर मालव में सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा। झारखंड में राज्य के शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र कोडरमा में एक शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया। दरभंगा जालीनगर में प्रेमी के घर शादी के लिए प्रेमिका ने दिया धरना, गांव वालों ने दोनों की कराई शादी। हैदराबाद पुलिस ने सोमालिया युवक को चोरी के आरोप में पकड़ा, पैसे और सामान बरामद। असम के बोंगाई गांव में बोरोलैंड समर्थकों ने रोकी रेल, 12 घंटे तक रूट रहा जाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अब मिलेगी 2 व्हीलर एम्बुलेंस सेवा, पुणे के आदर्श मित्र मंडल संस्थान ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर की पहल। यूपी के उन्नाव में घर में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 2 साथी भागने में कामयाब। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। बांदा में तहसीलदार पर किसान को परेशान करने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड के डेहरे में रेप के आरोपी की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की, जमकर हंगामा।